अध्याय 8 ठीक है। हम लोगों ने बेटा कि यूरिया पढ़ते थे, ठीक है, यूरिया हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसके बाद में हम लोग क्या पढ़े हैं, वायु यूरिया, ठीक है। यूरिया के अंदर ही आपको वायु यूरिया है और उसको मैंने दो नंबर डाल दिया, ठीक। फिर उसके बाद में मतलब फसलों पर क्या पढ़ते हैं, वो लोग पढ़ चुके हैं, ठीक। अब मेन चीज जो होती है बेटा कि आपको यहाँ पर सूत्र याद करना कि यूरिया का सूत्र क्या होता है, वायु यूरिया का सूत्र क्या होता है। तो यूरिया का सूत्र क्या होता है, NH2CONH2 होता है, ठीक है। अब वायु यूरिया का सूत्र क्या होता है, आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है कि जो बायोयूरेट जो है वो किस प्रकार बनाया जाता है, क्योंकि विधि आपके एक ही दी हुई है, यहाँ पर सिर्फ एक ही दी हुई है बायोयूरेट बस, और किसी की भी विधि नहीं दी हुई है। तो आपके बायोयूरेट कब बनता है, बायोयूरेट आपका जब बनता है जब आपके अमोनिया को बनाया जाता है, जब आपका अमोनिया बन रहा होता है उस टाइम पे अधिक तापमान लगा दिया जाए, तो अधिक तापमान से दो अमोनिया के अणु एक दूसरे में जुड़ जाते हैं, जिससे किसका निर्माण होता है, वायु यूरेट का निर्माण होता है। इसका निर्माण होता है वायु यूरेट का निर्माण होता है। तो यहाँ तो हम बात कर चुके हैं वायु यूरेट की, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपके आगे कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, तीसरा डाल दो उसको कैल्शियम अमोनियम, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। देखिए बच्चों, कैल्शियम अमोनियम और नाइट्रेट मतलब इसके अंदर आपका क्या मिलेगा, कैल्शियम भी मिलेगा, ठीक है। इसमें आपका अमोनियम भी मिलेगा और आपके इसमें क्या मिलेगा, नाइट्रेट भी मिलेगा। मतलब तीन चीजें इसके अंदर आप लोगों की मिल रही है, उसमें से दो दो कॉमन आप लोगों के नाइट्रोजन, नाइट्रेट से भी नाइट्रोजन मिलता है और आपके अमोनियम से भी नाइट्रोजन मिलता है। एक आपका पता कैल्शियम, तो कैल्शियम क्या मिलेगा, कैल्शियम मिलता है, ठीक है, समझ गए वाली बात। इसके अंदर आगे लिखिए इसे किसान खाद भी कहते हैं, इसे इसे केन तथा किसान खाद, किसान खाद भी कहते हैं, किसान खाद भी कहते हैं, इसे केन तथा किसान। देखो बड़े केन को इसे ऐसे लगा लेना ताकि आपके अलग याद रहे हो, इसलिए जो अलग कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट आपके किसान खाद है उसके अंदर भी दो ऐसे कॉमा लगा लेना और इसको भी अलग कर लेना, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों के लिए। क्यों है इंपॉर्टेंट ये भी सुन लो, कि किसान खाद किसे कहते हैं, किसान का मित्र किसे कहते हैं, किसान का मित्र कौन, केशव, केशव को कहते हैं किसान का मित्र साहब, क्योंकि वो मृदा के अंदर अधिकता से मिलता है और मृदा के अंदर आसानी से मिल सकता है, ठीक है। उसको कैसे लाने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए वो किसान का मित्र कहलाता है, क्योंकि वो सुलभता से उपलब्ध होता है, बिल्कुल कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है, ठीक। अब ये जो है आपके कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है, इसे किसान का क्या नाम है, किसान का खाद क्यों कहते हैं साहब, मैंने करके आप लोगों को बताया, जो सस्ती चीज होगी वो अपनी, जो महंगी है वो दूसरों होगी, कल मैंने ये शब्द आप लोगों को कह दिया, इससे याद रख लेना कि किसान का खाद वही कहलाएगा जो सबसे सस्ता होगा और सबसे अच्छा होगा, इसलिए वो किसान का खाद कहलाता है। आपके यूरिया के, यूरिया की सेम कंडीशन ऐसी है और आपके इसकी भी कंडीशन ऐसी है, इसलिए अपने इसको कहते हैं किसान का खाद कहते हैं, और किसान भाई लोग जो है इसको ज्यादा मात्रा में यूज करते हैं, मेरे ज्यादा आप लोग जानते हो ये आप किसान फंड से बिलोंग करते हैं कुछ बच्चे, ठीक है, बाकी उससे समझ लेना बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट आगे लिखिए उत्पादन जो होता है इसका कहाँ होता है, उत्पादन, उत्पादन इसका होता है
नांगल बजा, नांगल बजा। अरे नांगल पहले बार नाम सुना गया, भाकड़ा नांगल कभी नहीं सुना गया, नहीं सुना कभी नांगल सुना है सुना है। चलो ठीक, आगे लिखिए इसमें संगठन। फर्स्ट संगठन, फर्स्ट लिखिए इसका संगठन, और संगठन में पहले लिखिए नमी की मात्रा जो होगी, नमी की अधिकतम मात्रा, ऐसे लिख सकते हो आप लोग इसमें नमी की अधिकतम मात्रा, नमी की अधिकतम मात्रा 1.0%। बेटा जी ध्यान रखिएगा, इसके अंदर नमी की जो अधिकतम मात्रा होगी वो कितनी होगी, 1.0% होनी चाहिए, इससे ज्यादा इसके अंदर नमी हो गई तो ये आपका रिएक्शन करना शुरू कर देगा, तो इसलिए इसके अंदर नमी की मात्रा 1.0% होनी चाहिए। नेक्स्ट सेकंड लिखिए इसके अंदर अमोनिकल और नाइट्रेट नाइट्रोजन। देखिए बेटा जी इसके अंदर दो प्रकार की आपके नाइट्रोजन मिलती है, मैंने आपको बताया कि इसके अंदर दो तरीके से आपको नाइट्रोजन मिलती है, किसके तरीके से मिलती है, एक तो आप लोगों के अमोनियम तरीके से और एक आपके नाइट्रेट तरीके से, क्या एक अमोनियम इधर से और इधर से आपका नाइट्रेट, मतलब दो हो गए, ध्यान रखिएगा। तो नाइट्रोजन जो मिलेगी इसमें, नाइट्रोजन दो तरीके से मिलती है, कितने प्रकार से मिलती है, दो प्रकार से मिलती है, एक तो आप लोगों के अमोनियम मिलती है और एक आपके मिलती है इसमें नाइट्रेट नाइट्रोजन मिलती है, ठीक है। ये इसके अंदर कितने परसेंट मिलती है, ये इसके अंदर 25.0%, कितना मिलता है इसमें 25.0% ये मिलती है। नेक्स्ट देखिए इसमें नाइट्रेट नाइट्रोजन जो है इसके अंदर, ये देखो बेटा ध्यान रखिएगा, ये नाइट्रोजन जो संगठन मैंने इसका बताया है ये आप लोगों के अमोनियम और नाइट्रेट दोनों को मिलाकर है, ये आपके इसमें अमोनियम और नाइट्रेट दोनों को मिलाकर दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए अमोनिकल या अमोनियम नाइट्रेट, सॉरी अमोनियम, अमोनियम नाइट्रोजन, अमोनियम नाइट्रोजन, अब अमोनियम नाइट्रोजन जो बच्चों इसमें है ये होती है 12.5%, कितनी होती है 12.5% इसके अंदर अमोनियम नाइट्रोजन पाई जाती है, मतलब अमोनिया की जो नाइट्रोजन जो होगी ना वो आपके 12.5% पाई जाएगी, समझ गए बात, ये समझे क्या, क्या समझे, अमोनियम नाइट्रोजन सर, ठीक है शाबाश। आगे देखिए तीसरा चौथा लिखिए इसमें नाइट्रेट नाइट्रेट नाइट्रोजन, नाइट्रेट नाइट्रोजन 12.5%, नाइट्रेट नाइट्रोजन 12.5%। अब देखो बेटा जी इन दोनों का जब आप सम करोगे, इन दोनों का आप लोग जब जोड़ोगे तो क्या 25.0% आता है कि नहीं आता, आता है, तो इसका मतलब क्या हो गया 25.0% दोनों की मात्रा बढ़ जाए, आप दीजिए 12.5 इसकी और 12.5 इसकी जिंदगी, समझ में आ गई बात। चलिए नेक्स्ट लिखिए इसके गुण, क्या भैया इसके क्या क्या गुण है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है, वो सब अब आप पढ़ने वाले हैं। देखिए सबसे पहले इसमें उदासीन प्रकृति होती है, पहला गुण इसका ये है उदासीन प्रकृति, उदासीन प्रकृति
होती है। कैसी होती है बच्चों? इसकी उदासीन प्रकृति होती है, मतलब यह मतलब अम्लीय होता और नहीं क्षारीय होता। अब जब इसकी उदासीन प्रकृति है तो इसका मतलब ये क्या होगा, अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार में काम में आएगा नहीं आएगा? आएगा ना भाई, आओ में आओ भैया, हाँ मारवाड़ी में थोड़ा सो गए वो आया हो दाद का पता नहीं। ठीक है तो भैया क्या लिखो भैया, वो इसी से ही बढ़ा लो एक पॉइंट और, अम्लीय में अम्लीय व क्षारीय मृदाओं में अम्लीय व क्षारीय मृदाओं में उपयोग किया जा सकता है, किया जा सकता है, किया जा सकता है। ठीक है नेक्स्ट भी इसमें इसमें नाइट्रोजन, इसमें नाइट्रोजन 25% पाई जाती है, इसमें नाइट्रोजन 25% पाई जाती है। कितने परसेंट पाई जाती है? 25%, क्योंकि देख लो रेशो ही आपका 25 है कि नहीं है, है ना? तो कितने परसेंट मिलेगी? 25 मिलेगी ना। ठीक है नेक्स्ट देखिए इसके अंदर, इसमें कैल्शियम इसमें कैल्शियम इसमें कैल्शियम 8.1% पाया जाता है। कैल्शियम की मात्रा कितनी हो गई? 8.1% कैल्शियम की मात्रा होती है बच्चों इसके अंदर, कितनी होती है? 8.1% कैल्शियम पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए आर्द्रता, बच्चों ये देखो आर्द्रता का ये उर्वरक है, ये जल्दी से क्या कर लेता है? नमी को ग्रहण कर लेता है। जल्दी से किसको ग्रहण कर लेता है? नमी को ग्रहण कर लेता है। ठीक है लिखिए आर्द्रता ग्राही उर्वरक है, कौन सा उर्वरक है बच्चों? ये आर्द्रता ग्राही उर्वरक आपका कहलाता है। तो बच्चों देखिए जब ये आर्द्रता ग्राही उर्वरक है तो भंडारण कहाँ करोगे? पानी के अंदर नहीं, फ्रिज के अंदर नहीं, तो कहाँ करोगे? ऐसी जगह करोगे जहां पर आर्द्रता बिल्कुल भी क्या हो? नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं हो, या शुष्क जगह पर इसकी भंडारण करोगे। तो लिखिए इसमें छठा भंडारण शुष्क स्थानों पर किया जाता है। भंडारण कहाँ किया जाता है बच्चों? इसका शुष्क स्थानों पर जो है इसका भंडारण किया जाता है, शुष्क स्थानों पर भंडारण किया जाता है।